तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की मेज़बानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों टीम के कप्तान होंगे एडन मार्करम, वहीं दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन होंगे वो प्लेयर्स, चलिए जानते हैं उनकी पूरी लिस्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और अपडेट के लिए बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने यूएसए और वेस्टइंडीज़ में 1 से 29 जून तक खेले जाने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के लिए 15 सदस्यीय टीम को मंगलवार को घोषणा की। टीम के कमान एडन मार्करम संभालेंगे, जबकि विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासे, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्लब्स भी शामिल हैं। इसके अलावा टीम के दो अनकैप्ड खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज रायन रिकल्टन और तेज गेंदबाज ओटोनिल बार्टनमैन भी शामिल हैं। रायन रिकल्टन MI केपटाउन के लिए 58 के औसत से 530 रन के साथ साउथ अफ्रीका T20 में दूसरे संस्करण के टॉप स्कोरर रहे, जबकि ओटोनिल बार्टनमैन ने गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए 8 मैचों में 18 विकेट लिए और वर्तमान में IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। कागिसो रबाडा और IPL में बुरी तरह फेल रहे एंड्रिक नौरकिया गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। उनको मार्को येंसन और जेराल्ड कोट्जी के साथ टीम में शामिल किया गया है। इस टीम में तीन फ्रंटलाइन स्पिनर भी हैं, बियॉन फोर्टून, केशव महाराज और तबरेज शमसी। और तो और एक घातक पेस जोड़ी नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी को ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, हाल ही में खेले गए T20 क्रिकेट की संख्या और जिस तरह का फॉर्म दिख रहा है उसे देखते हुए इस समूह का चयन करना बेहद कठिन था। मैंने दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को, रायन और ओटोनिल को, उनके चयन पर बधाई देना चाहता हूँ। हमने 2024 में अपने खिलाड़ियों का कुछ अविश्वसनीय प्रदर्शन देखा है और इससे मेरा काम वास्तव में बहुत कठिन हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है और विश्वास है कि हमने सब मजबूत संभावित टीम का चयन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेस्टइंडीज और USA में सफलता की पूरी संभावना है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि टीम सिलेक्शन इसलिए हो रहा था मुश्किल। तो चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं 15 सदस्यीय टीम की दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। तो कप्तान होंगे एडन मार्करम, गेंदबाज जेराल्ड कोट्जी, डेब्यूटेंट ओटोनिल बार्टनमैन, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, फोर्टून, हेनरिक क्लासेन, तबरेज शमसी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नौरकिया, रायल रिकल्टन, साथ ही साथ में दिखेंगे ट्रिस्टान सब्स, डेविड मिलर और मार्को येंसन। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका अपने अभियान की शुरुआत 3 जून को न्यूयॉर्क में श्रीलंका के खिलाफ करेगा। इस बीच वॉल्टर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए एक अस्थायी टीम की घोषणा की है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कहा कि T20 सीरीज के लिए ये टीम बदली जाएगी और जब प्रबंधन को IPL खिलाड़ियों की उपलब्धता के बारे में पता चल जाएगा तो इसमें खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को 15 सदस्यीय साउथ अफ्रीका की टीम और कौन कौन होने चाहिए प्लेइंग 11 में, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।